चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे थे इस थ्योरम की। हमारे पास ये जो थ्योरम है, हमें ये प्रूफ करना है। बेटा आवाज मिल रही है आपको मेरी? यस देखिए इसमें कह रहा है ए रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। मतलब आपके पास इनिशियली क्या है, आपके पास एक रेशियो है ग्रेटर इनइक्वलिटी का, मतलब ए अपॉन बी जो है ग्रेटर इनइक्वलिटी है। इस मतलब ए अपॉन बी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर इनइक्वलिटी इज डिमिनिस्ड, इसको कम किया जा सकता है, इसको रेशियो को छोटा किया जा सकता है। डिमिनिस्ड एंड अ रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी इज इंक्रीज। कह रहा है कि इस रेशियो को, बड़ी इनइक्वलिटी की रेशियो को हम छोटा कर सकते हैं और छोटी इनइक्वलिटी की रेशियो को हम बड़ा कर सकते हैं। ए रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी इज डिमिनिस्ड एंड ए रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी इज इंक्रीज बाई एडिंग द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी नंबर टू द बोथ टर्म। मतलब आपके पास कोई रेशियो था बेटा ए अपॉन बी, ओके, ए अपॉन बी ये क्या था बेटा, ये ग्रेटर था। कैसा था ये बोलो? ग्रेटर था, ग्रेटर ठीक ना? ये जो ए अपॉन बी था ये ग्रेटर था। तो इनका कहना है कि अगर आपके पास ए अपॉन बी जो था, यदि वो ग्रेटर था, ये एक ग्रेटर रेशियो था जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी था, तो आपका कहना है, इस थ्योरम का कहना है कि हम इसमें एक्स जोड़ करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस रेशियो को पहले की तुलना में छोटा कर सकते हैं। इस रेशियो को पहले की तुलना में हम क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। समझ में आया? छोटा और ऐसा अगर आपके पास ए अपॉन बी जो रेशियो था, अगर वो लेसर था, तो कंडीशन है कि इसमें हम इन्हीं नंबर्स को जोड़ करके, बी प्लस एक्स जोड़ करके, इन्हीं नंबर को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इसी रेशियो को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए तो इसकी को प्रूफ करना है। आ गया समझ में स्टेटमेंट की नहीं आया? सर, मतलब दोनों रेशो दिए हैं कि एक एक लिया है? आपको केवल एक रेशियो दिया गया है ए अपॉन बी, और आपको इसमें एक फिक्स नंबर एक्स जोड़ना है ना? एक्स आपको जोड़ना है, और कंडीशन ये है कि यस ए रेशियो बी एक बार ग्रेटर रेशियो है और एक बार ए रेशियो बी जो है लेसर रेशियो है। दो दो केसेस हैं, सर ठीक है ना? चलिए तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ, लेट ए रेशियो बी बी द गिवन रेशियो। तो कॉपी में आप लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी आपके पास कोई गिवन रेशियो है। अब ए रेशियो बी आपके पास गिवन रेशियो है, बट आपको चाहिए क्या है? ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स के बारे में आपको पता करना है, तो यहाँ पे सवाल लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन है कि ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का नेचर क्या है? सो व्हाट इज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स? इट इज द न्यू रेशियो फॉर्म्ड बाई एडिंग द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स टू बोथ ऑफ इट्स टर्म्स। समझ में आया? यस सर ओके। देन द गिवन रेशियो ए अपॉन बी। अब देखिए, तो जो ए अपॉन बी था, अब दो केसेस होंगे। या तो जो नया रेशियो आएगा वो ए अपॉन बी से छोटा आएगा, यानी कि डिमिनिस्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन। बोलो यस और नो? यस सर देन द गिवन रेशियो ए अपॉन बी इज इंक्रीज्ड और डिमिनिस्ड, है ना? इंक्रीज्ड और डिमिनिस्ड अकॉर्डिंग एज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज ग्रेटर और लेस देन ए अपॉन बी। बस तो ये याद रखना। क्या याद रखना है आपको? देन द गिवेन रेशियो ए अपॉन बी इज इंक्रीज्ड और डिमिनिस्ड अकॉर्डिंग एज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज ग्रेटर और लेस देन ए अपॉन बी। सन, अब समझना है मैं क्या बात बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, अगर ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स ए प्लस बी से बड़ा होगा, ए प्लस बी से क्या होगा? बड़ा। सर, ए अपॉन बी की ए प्लस बी ए अपॉन बी से, ए प्लस बी का कोई रोल नहीं है, ए प्लस बी का कोई रोल नहीं है। कह रहा है देन द गिवेन रेशियो ए अपॉन बी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, या बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा अकॉर्डिंग एज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज ग्रेटर और लेस देन ए अपॉन बी, है ना? ये जो है रेशियो ए अपॉन बी या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिमिनिस्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग एज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स
इज ग्रेटर और लेस देन ए अपॉन बी। चलिए अगले स्टेप में और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसको अगले स्टेप में मैं और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, ये है अगला स्टेप, यहाँ पे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ बेटा, आपके पास आपका ओरिजिनल रेशियो क्या था, ए अपॉन बी था कि नहीं था, बताओ, था ना? यस सर। आपके पास आपका ओरिजिनल रेशियो ए अपॉन बी था, अब जो नया रेशियो आप बनाए हो वो क्या है, ए अपॉन बी, और जो आपका नया रेशियो बना है ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, बोलो। हाँ यस सर। अब दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें ये हो सकती हैं कि हो सकता हो ये बड़ा हो या ये छोटा हो, या हो सकता है ये छोटा हो ये बड़ा हो। तो बड़ा है छोटा है क्या है, पता करने के लिए क्या करो, इसका डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? इसका डिफरेंस, यस और नो? यस सर। चलो डिफरेंस सॉल्व किया तो देखिए डिफरेंस कर दिया, कंसीडर यहां पे लिखेंगे कंसीडर ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। तो बेटा सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने पर देखो क्या आ गया बेटा, एक्स बी बी प्लस एक्स ए माइनस बी। देखो ध्यान से, यस, ये पूरी जिम्मेदारी ए माइनस बी की होगी, क्यों होगी, मैं फिर से लिख रहा हूं, समझना ध्यान से, एक्स ए माइनस बी अपॉन बी इंटू बी प्लस एक्स। पर एक्स एक पॉजिटिव नंबर था, बोलो यस। यस सर। ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना? यस सर। बी भी पॉजिटिव था बेटा, यस सर। और बी प्लस एक्स जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, बोलो यस। Yes, sir. अब दो केसेस बनेंगे, मतलब a माइनस बी के ऊपर है कि पूरा का पूरा क्या मामला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? अब पूरा का पूरा जो चार्ज है वो a माइनस बी के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं हुआ क्लियर? yes, नहीं हुआ क्लियर? ओके सर। ओके, अब देखो दो केस बनते हैं। पहला केस है बेटा कि अगर a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b मतलब क्या होगा, a बड़ा है b छोटा है। अब परी अगर a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। अरे ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही तो आएगा। यस सर। हाँ, तो मतलब ये चीज पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है a अपॉन b, समझ गए ना, ये जो डिफरेंस है a अपॉन बी माइनस ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, ये डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। यस सर। मतलब a अपॉन बी इज ग्रेटर देन a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, मतलब जो आपका पुराना रेशियो था वो बड़ा रहेगा और जो नया रेशियो रहेगा वो छोटा हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो क्या कंडीशन निकली है कि अगर a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है, अगर a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है तो जो पुराना रेशियो रहेगा आपका वो बड़ा रहेगा और नया रेशियो छोटा हो गया। मतलब x के नंबर ऐड करने से आपका जो नया रेशियो आया वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। क्या हो गया? डिमिनिश। देखो नया रेशियो छोटा हो गया है ना? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब व्हेन a इज ग्रेटर देन b तो नया रेशियो आपका छोटा होकर के आएगा, और जब when a इज लेस देन b तो आपका नया रेशियो बढ़ करके आएगा। अगला हाँ, ये वाला आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में ना? यस सर। चलिए सेकेंड केस में देख लीजिए, a इज लेस देन b, तो अगर a लेस देन b करोगे बेटा तो ये आएगा निगेटिव, क्योंकि b बड़ा रहेगा a छोटा रहेगा, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो ये आ गया निगेटिव। तो मतलब a माइनस a अपॉन b और ये दिस अपॉन दिस इज लेस देन जीरो, है ना, ये इधर चला जाएगा, मतलब a प्लस एक्स और b प्लस एक्स क्या होंगे, ग्रेटर देन a अपॉन b। क्लियर हो गया? यस सर। तो फर्स्ट केस में देखिए आपका न्यू रेशियो डिमिनिश्ड होकर के आ रहा है, बट सेकेंड केस में आपका न्यू रेशियो क्या होकर आ रहा है, बड़ा होकर के, ठीक है? हाँ सर। सो दस फ्रॉम केस वन वी नोट दैट द रेशियो ऑफ द ग्रेटर इनइक्वालिटी इज डिमिनिश्ड, वेयर एज फ्रॉम केस टू द रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना? तो फ्रॉम द फर्स्ट केस वी कैन नोट दैट द रेशियो ऑफ द ग्रेटर इनइक्वालिटीज डिमिनिश्ड। पहले केस में देखो जो न्यू रेशियो जो बन करके आया है वो छोटा हो गया, मगर सेकेंड केस में द रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी इंक्रीज, मगर छोटे केस में जो है लेस इनइक्वालिटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज, विच प्रूव द रिजल्ट।
चलो यही प्रूफ करना था। डन, यस सर। बस यही डाउट था ना आपको? सर उसके नीचे वाला भी ओके, नहीं, उसके यही था। यही वाला था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू इसको सर। 2-3 बार कॉपी में कर लो बेटा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, और ना हो तो बताना फिर, है? चलो यस सर। ओके।